हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट। इससे पहले हमने एक एलसीआर सर्किट में वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है वो फाइंड आउट किया था, उसी के बेस पे हम यहाँ पावर फाइंड आउट करेंगे। और फिर उसके बाद सिंगल, अगर केवल एल आपके सर्किट में है या सिर्फ आर है या सिर्फ सी है तो पावर कितनी होगी, या एल आर है सी आर है, वो उसी से निकाल सकते हैं। एलसीआर सर्किट, पावर कंज्यूम इन एलसीआर सर्किट में जैसे हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपका सर्किट एलसीआर है तो उसमें या तो वोल्टेज करंट से फेज में कुछ आगे होगी या करंट वोल्टेज से फेज में कुछ आगे होगा। लेट हमारा जो सर्किट है, सर्किट इज कैपेसिटर डोमिनेटिंग। अब अगर कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट है तो इसका मतलब वोल्टेज जो है वो करंट से फेज में पीछे होगा, या कह लो करंट वोल्टेज से फेज में आगे होगा। सो इफ वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, देन आई विल बी, क्योंकि कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट है तो I हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, क्योंकि इस केस में जो करंट है वो वोल्टेज से फेज में आगे है। अब इनकी वैल्यू हम ऊपर रख देते हैं तो पावर आ जाता है वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। यहां से पावर इज इक्वल टू वी एम आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान दीजिए, अगर मैंने ये सर्किट कैपेसिटर डोमिनेटिंग की जगह इंडक्टर डोमिनेटिंग लिया होता तो क्या इक्वेशन होती फॉर इंडक्टर डोमिनेंस। तब क्या होना था कि अगर मैं आई को ले लेता आई एम साइन ओमेगा टी तो वीएम हो जाता, वी हो जाता वीएम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मतलब उसमें वोल्टेज को हम फेज में आगे दिखाते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट करते तब उसका भी रिजल्ट यही आना था। इसका मतलब अगर हम एक कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट लें या इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट लें, अगर फेज में चेंज एक जैसा है उतना ही वोल्टेज फेज में आगे है करंट से, या उतना ही करंट फेज में वोल्टेज से आगे है, दोनों ही केस में जो पावर का फॉर्मूला आएगा वो सेम आएगा। अब मैं क्या करता हूं, एवरेज पावर, एवरेज पावर के लिए मैं पावर का सिंबल यूज करता हूं इस तरह से, इसे बोलते हैं एवरेज पावर। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिंबल है उसके बीच में आपका पावर आ जाएगा, इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ आई एम वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एवरेज। अब ध्यान दीजिए, आई एम और वी एम ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस हैं, ये एवरेज से बाहर आ जाएंगे क्योंकि जो फिक्स वैल्यू है उसका एवरेज भी वही वैल्यू रहती है, तो इट विल बी वी एम आई एम अंदर रह जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव एवरेज। मैं क्या करता हूं, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे आगे ध्यान दीजिए, ये जो टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इट इज इक्वल टू टू साइन ए साइन बी। टू साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है कोस, मैं यहां पर लिख देता हूं साइन ए साइन बी टू, इट विल बी कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां ए और बी क्या क्या है, ये ए है और ये बी है, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं एवरेज कोस ऑफ ए माइनस बी, दैट मीन्स ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव और माइनस, इनको ऐड कर देंगे कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव,
ये आप एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। अब इट विल बी वी एम आई एम बाय टू कोस माइनस फाइव, क्योंकि ओमेगा टी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस फाइव बचेगा, माइनस ओमेगा टी इट विल बी कोस टू ओमेगा टी प्लस फाइव। कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोस थीटा, तो इट कैन बी रिटन एज वी एम आई एम बाय टू कोस फाइव, इसको अलग कर देते हैं, ये एवरेज वैल्यू अलग माइनस ये एवरेज वैल्यू अलग। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपकी एवरेज वैल्यू आई है ये टाइम के हिसाब से बदल नहीं रही है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में फाइव वो है, वो थ्रू आउट द करंट थ्रू आउट द वोल्टेज सेम रहता है, तो ये तो हम रख लेंगे एज इट इज। लेकिन ये जो टर्म है इसमें देखिए कोस की वैल्यू टाइम के साथ वैरी हो रही है, यानी कि पूरे साइकिल में कोस का ग्राफ हमें पता है इस तरह से आता है, तो आधा साइकिल पॉजिटिव और बाकी आधा नेगेटिव, जब हम एवरेज लेते हैं तो वो वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि ये पूरी टर्म जो होगी वो जीरो हो जाएगी, इसको खत्म कर देते हैं। तो पी एवरेज हमारे पास क्या आता है, वी एम आई एम मैच टू को रूट टू इंटू रूट टू लिख देता हूं और साथ में कोस फाइव। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है वी एम बाय रूट टू होता है वी आर एम एस, आई एम बाय रूट टू होता है आई आर एम एस, तो आपके पास एवरेज पावर फोर एल सी आर सर्किट का फॉर्मूला आ गया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाइव, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसमें ध्यान दें, क्योंकि न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ इंडक्टर या सिर्फ कैपेसिटर हो, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, चाहे सिर्फ इंडक्टर है या सिर्फ कैपेसिटर है, देन फाइव विल बी 90 डिग्री, तो उस केस में कोस फाइव विल बी कोस 90 यानी के जीरो, तो इस केस में पावर जीरो आ जाएगी। इसका मतलब जब आपके सर्किट में प्योर इंडक्टर है या प्योर कैपेसिटर है, नो रेजिस्टर, तो जो पावर कंज्यूम्ड है वो जीरो होती है, इसका मतलब वोल्टेज भी है करंट भी है लेकिन कोई पावर खर्च नहीं हो रही, तो इस उस समय सर्किट में जो करंट फ्लो होता है द करंट एट दैट टाइम इन सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। क्या मतलब है वाटलेस, वाट किसकी यूनिट होती है पावर की, वाटलेस यानी कि बिना पावर का करंट, तो अगर ऐसा करंट फ्लो होगा तो सोचो बिजली का बिल ही नहीं आएगा, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमारे सर्किट इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो यानी कि रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो जो करंट आएगा वो वाटलेस ना भी हो, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि वाटलेस यानी कि बिना पावर का करंट, ऐसा करंट जिसके फ्लो होने में कोई पावर कंज्यूम हो ही ना। अब आपका जो बिल आता है वो पावर के हिसाब से आता है, क्या फॉर्मूला होता है यूनिट्स का, नंबर ऑफ यूनिट जो होती है घरों में जिसके हिसाब से बिल आता है, दैट इज वाट्स इंटू आर्स बाय 1000, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट का, इसके हिसाब से बिजली का बिल आ रहा है, वाट हो गया जीरो तो क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट जीरो हो जाएगी, यानी कि आप महीना भर बिजली चला रहे हैं कोई यूनिट खर्च ही नहीं हो रही, और जब कोई यूनिट खर्च नहीं होगी तो कोई बिल नहीं आएगा, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि जब आपका सर्किट प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव होगा तो फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी 90 डिग्री। सो कोस फाइव, इस कोस फाइव को नाम देते हैं पावर फैक्टर, कोस फाइव इज कॉल्ड पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर जीरो हो जाएगा तो पावर भी जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा, और ऐसे करंट को कहा जाएगा वाटलेस करंट।
अब इसी से रिलेटेड एक और चीज देखिए, जैसे सपोज ये आपका ग्राफ है, इधर हमने वोल्टेज ले ली वी, सपोज इधर करंट है आई, और इनके बीच में जो एंगल है वो फाई है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस आई के दो कंपोनेंट कर देता हूं, एक कंपोनेंट अलोंग विद द वोल्टेज, इसे मैं आई कोस फाई ले सकता हूं क्योंकि एंगल फाई की डायरेक्शन में कंपोनेंट आई कोस फाई, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज आई साइन फाई। ठीक है, इस वाले केस में जो पावर आएगी मान लिया वो पी वन आती है, तो पी वन विल बी वी आई कॉस फाइव इंटू कॉस जीरो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है पी जो होता है, बल्कि आई आर एम एस और वी आर एम एस की टर्म्स में पढ़ा है, पी इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ये हमने पढ़ा है। यहां फाइव जो है वो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल है, लेकिन मैंने ये वाला करंट लिया है तो ये वोल्टेज और करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो वी आर एम एस और आई आर एम एस की जगह मैं ले रहा हूं आई आर एम एस कोस फाइव, और फिर इनके बीच में एंगल जीरो है, तो दैट विल बी कोस जीरो। तो पी वन की वैल्यू आ गई वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव, लेकिन अगर मैं इस वाली के अलोंग मतलब इस करंट को कंसीडर करके पावर लेता हूं तो उसे P2 मान लेते हैं, दैट विल बी वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है इस बार पाई बाय टू, वो कितना हो जाएगा जीरो, तो P2 आ जाएगा जीरो। इसका मतलब कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसमें जो करंट है वो वोल्टेज से 90 के एंगल पे आ रहा है तो वहां पावर जीरो होगी। इवन एक वोल्टेज और करंट के बीच में अगर एंगल फाई है उसके भी मैं दो कंपोनेंट कंसीडर कर सकता हूं, एक करंट का कंपोनेंट अलोंग विद द वोल्टेज, वहां जो पावर कंज्यूम आएगी वो आएगी वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, और एक कॉम्पोनेंट हम ले रहे हैं करंट का परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज, तो इसके केस में जो पावर आएगी वो जीरो आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिए, जो आइडियल केस है, आइडियल केस में कैपेसिटर है तो वो बिल्कुल कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, इंडक्टर इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टर रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अगर कोई रेजिस्टर है तो उसके चारों ओर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है, यानी कि वो इंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है, उसमें कुछ चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी होती है, यानी कि वो कुछ कैपेसिटर की तरह भी बिहेव करता है। ऐसे ही जो इंडक्टर है वो भी पूरी तरह से इंडक्टिव नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, साथ में उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इसीलिए हम इनको आइडियल नहीं कहते, हम इनको कहते हैं रियल, रियल रजिस्टर रियल इंडक्टर और रियल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जब हम प्रैक्टिकली बात करेंगे तो जो इंडक्टर है वो एग्जैक्टली प्योर इंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टिव पार्ट होता है कैपेसिटिव पार्ट होता है, इसी तरह से कैपेसिटर होता है इसी तरह से रेजिस्टर होता है। तो जो एसी है वो डीसी से बेटर है, इसके जो हम रीजन गिनवाएंगे उसमें सबसे पहला रीजन है एसी वोल्टेज कैन बी वैलिड यूजिंग ट्रांसफार्मर, क्योंकि आपको याद होगा ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब एक कॉइल में अगर करंट चेंज होता है तो उसकी वजह से दूसरे में वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन वेदर द ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो ये प्रोसेस केवल एसी में पॉसिबल है, डीसी का वोल्टेज वेरिएशन ना कम से ज्यादा ना ज्यादा से कम पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो तो एसी कैन बी कन्वर्टेड इंटू डीसी मोर इजीली। देखिए, हम डीसी को एसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑसिलेटर एक सर्किट आता है उसके थ्रू, लेकिन वो कॉस्टली प्रोसेस भी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन अगर हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है।
इट इज योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग ए चॉक कॉइल विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी. अगर हमें कहीं लगता है कि यहां पे हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है, एसी वोल्टेज ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो उसमें सीरीज में हम क्या लगा देते हैं, एक चॉक कॉइल लगा देते हैं. तो वो क्या करता है, एनर्जी लॉस किए बिना उसकी वोल्टेज को थोड़ा कम कर देता है. तो ये चीज भी एसी में होनी पॉसिबल है. नेक्स्ट इज जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसी इज मच मोर इकोनॉमिकल देन डीसी. जनरेशन मतलब प्रोड्यूस करना. एसी जो है वो प्रोड्यूस जो होती है वो भी काफी कम कॉस्ट में होती है. ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह हमें भेजनी है. जैसे मान लिया हमारा पावर प्लांट तो अपने शहर से 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर आगे 20 किलोमीटर आगे शहर में बिजली भेजनी है, तो वो भी भेजना एसी हो तो इजीली हो जाता है, डीसी में पावर लॉस बहुत होता है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अब जैसे मान लिया टाउन में बिजली आई है, टाउन का एक सबस्टेशन है, वहां से डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज में, कॉलोनीज से डिफरेंट डिफरेंट घरों में जो बिजली जाती है, अगर वो एसी हो तो दैट इज मच इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू डीसी. ये तो थे कुछ फायदे एसी के ओवर डीसी. अब ऐसा नहीं है कि एसी में सिर्फ फायदा ही होता है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. तो अब हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ एसी ओवर डीसी. देखो सबसे पहला ड्रॉबैक, बिजली का जो सबसे पहला खतरा होता है वो होता है झटका. तो जिसमें ज्यादा तेज झटका लगेगा, ज्यादा खतरा होगा, तो इसका मतलब वो एक ड्रॉबैक में काउंट होगा. तो सबसे पहला क्या है, एसी इज मच मोर डेंजरस देन डीसी. क्योंकि अगर कहीं पे जैसे हम क्या करते हैं, वायर का इंसुलेशन करते हैं, कवरिंग करते हैं प्लास्टिक कोटिंग से या किसी और चीज से, अगर वो कहीं पे कट रह गया या कहीं पे किसी कारण से वो बर्न हो गया, उतर गया और वहां टच होता है किसी का, तो सिवियर शॉक, देयर विल बी अ सिवियर शॉक. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. अगर आपको एसी वोल्टेज का झटका लगता है तो वो अट्रैक्टिव होता है. जब कहते हैं ना कि एसी ने तो इसने ये करंट से चिपक गया, चिपक गया दैट मींस वो एसी था. और डायरेक्ट करंट जो होता है वो दूर फेंक देता है, तो वो रिपल्सिव है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर करंट से आपको झटका लग के आप दूर हो जाते हैं तो आपको और करंट नहीं लगेगा, एक बार झटका लगा और खत्म. लेकिन एसी में लगातार झटका लगता है तो यहां पे दिस कैन बी फेटल, ये जानलेवा हो सकता है. तो ये भी एक ड्रॉबैक है. नेक्स्ट, कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जहां पे एसी का यूज नहीं होता. सम फिनोमिना स्पेशली यूजेस डीसी एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस कह सकते हो. इन सब में आपको डायरेक्ट करंट की जरूरत पड़ेगी, यहां एसी से काम नहीं चलता. तो एक तरह से यहां पे ये एसी का डिसएडवांटेज है. अगर हमें ट्रांसमिशन करना है तो ट्रांसमिशन करने के लिए ट्रांसमिशन ऑफ डीसी इज ऑल्सो पॉसिबल बट विद मैनी कंबाइन वायर्स. अगर हम कई सारी वायर कंबाइन करते हैं, क्योंकि जो एसी है वो तो अंदर चलती है और जो डीसी है वो सरफेस के ऊपर चलती है, तो सरफेस के ऊपर बनाने के लिए अगर मैं एक मोटी वायर बनाना चाहता हूं तो वो सिंगल नहीं हो सकती, वो कई सारी स्मॉल थिन वायर से मिलके बनेगी और उनके सरफेस पे करंट जाएगा. तो जब हैवी करंट हमने फ्लो कराना है तो कई सारी स्मॉल वायर्स को कंबाइन करके हम डीसी का भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं. अब इस यूनिट के अंदर केवल दो टॉपिक बचे हैं और वो दो टॉपिक आज 4 बजे लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के बाद वो जो लास्ट टॉपिक्स हैं उनके लिए 4 बजे YouTube पे लाइव आइए.